आप लोगों ने अगर अपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा और अपने देश के महापुरुषों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी याद रखते होंगे और आप देखें कि इन्हीं महापुरुषों के कारण आज हमें आज़ादी मिली हुई है। आज आप देखिए कि हम लोग बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने मन मर्जी से आप देखिए कि कुछ भी कर सकते हैं, आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और आप सोचिए कि अगर 1947 के समय में आप लोग अगर रह रहे होते तो क्या स्थिति होती। इनका नाम आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं, और आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने एक घोषणा की हुई है कि इंडिया गेट पर इनकी एक भव्य प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगाई जाएगी। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं आपको जानने के लिए, तो जान लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आपकी परीक्षाओं में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं। और वैसे भी भारत के महापुरुष हैं तो आप लोगों को इनके बारे में मालूम भी होना चाहिए। और इस समारोह के दौरान आप देखेंगे 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और सुभाष चंद्र अगर पुरस्कार बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान एवं निस्वार्थ सेवा को पहचानने व सम्मानित करने हेतु वार्षिक यानी कि हर साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इस पुरस्कार की घोषणा आप देखेंगे कि हर साल 23 जनवरी को की जाती है इनकी जयंती पर। और इसमें संस्था के मामले में आप देखेंगे 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र, और एक व्यक्ति के मामले में आप देखें तो 5 लाख और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर कोई किसी संस्था को ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसे 51 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ में ही एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उस मामले में आप देखेंगे 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को मिलेगा। अब बात आती है सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में, तो आप सभी को मालूम होगा कि इनका जन्म कब 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था और उनके पिता का नाम जानकीदास बोस था। और उनकी जयंती आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसके रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में उनकी जयंती को आप लोग मनाते हैं। इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा की थी, पास की थी। और हालांकि बाद में बोस ने इस्तीफा भी दे दिया था और विवेकानंद की शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। और उनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो चितरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। 1921 में बोस ने चितरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड की संपादन का कार्यभार भी संभाला हुआ था। और कांग्रेस के साथ अगर हम लोग इनके संबंध की बात करें सुभाष चंद्र बोस के, तो उन्होंने बिना सर स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया था, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1931 में जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, कि निलंबन और गांधी में समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी विरोध किया हुआ था। और 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और MN रॉय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे थे। फिर आप देखेंगे 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। फिर आप देखेंगे 1939 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण आप देखिए इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, यानी कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो त्रिपुरी में हुआ था इन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। और इन्होंने उसके बाद क्या किया, अपना इस्तीफा देकर नई पार्टी का गठन किया था फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। भारतीय राष्ट्रीय सेना में भी इनका योगदान रहा है, इससे भी इनका जुड़ाव रहा है। इसके बारे में अगर बात करें तो वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे, वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया था। और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की हुई थी। और आप देखते होंगे कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लेता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजीवारा के नेतृत्व में किया गया था। और इसमें मलायन वर्तमान मलेशिया अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा
कैद किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना की युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था। साथ में ही इसमें सिंगापुर जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय नागरिक भी इसमें शामिल थे, और इनकी सैन्य संख्या बढ़कर हो गई थी कितनी, 50,000। और आईएनए ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला भी किया हुआ था। फिर आप देखेंगे नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था, और तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आजादी मिलने का समय आ चुका था। 1945 में आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस साहब की ताइवान में विमान दुर्घटना ग्रस्त में इनकी मौत हो गई थी। हालांकि अभी भी उनकी मृत्यु के संबंध में कई राज छिपे हुए हैं, और कई लोग तो कहते हैं कि इसे विमान में वो थे ही नहीं। तो इस तरह की आप क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो इनके बारे में इस तरह की जो भी हमारे देश के महापुरुष रहे हैं उनके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, हमारे लिए इतना करके छोड़ के गए हुए हैं। चलिए खैर, आप लोग पढ़ते रहिए।